हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड टुडे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही यूनिक सा आइलैंड जो बखली से काफ़ी पास है, और इस आइलैंड का नाम है जम्बूद्वीप आइलैंड। इसके पहले मैंने हेनरी आइलैंड के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ यू कैन रीच हेनरी आइलैंड एंड व्हाट आर द नियर बाई प्लेसेस विच यू कैन एक्सप्लोर इन हेनरी आइलैंड। तो गो चेकआउट द वीडियो फर्स्ट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट, और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जम्बूद्वीप, जो पहले भी मैंने बोला है एक बहुत ही आइसोलेटेड आइलैंड है, और ये सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल में, जो है लगभग 8 किलोमीटर फ्रॉम बखली, और ये है साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में इन वेस्ट बंगाल। इस आइलैंड का पॉपुलैरिटी यही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशिंग होता है बिटवीन मंथ ऑफ अक्टूबर एंड फरवरी। इस आइलैंड को रीच करने के लिए आप लोगों को फेरी सर्विस मिल जाएगा, जिसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूंगी। बखली में पॉपुलर है सी फिश मार्केट के लिए, जिसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी एट द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, स्टार्टिंग में मैंने शेयर किया था जम्बूद्वीप का व्यू, कैसे ग्रीन एंड प्रिस्टीन ब्लू वाटर आपको मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग चल पड़े थे टूवर्ड्स द फेरी सर्विस। इट टेक्स अराउंड 400 रुपीज फॉर 4 to 5 hours। जाने से पहले हम लोग एक्सपीरियंस किए बहुत सारा लाइव फिशिंग एक्सपीरियंसेस, जो फिश अभी यहाँ से ज्यादा डिलीवर होने वाला है टू डिफरेंट लोकेशंस। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही वैरायटीज का फिश अवेलेबल यहाँ पे था। तो फिश का कलर थोड़ा बहुत डिफरेंट था, जैसे गिल्स का पार्ट मैंने देखा कि एक येलो बॉर्डर था। तो अगर किसी को पता है ये फिश का नाम तो मुझे ऑब्वियसली कमेंट में बताइए। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग हिल्सा, लेकिन ज़्यादा हिल्सा फिश हम लोगों को नहीं मिला था। तो ये था हम लोगों का फेरी सर्विस जो अभी जाएगा टूवर्स जम्बूद्वीप, और हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले एक बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस जो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज समवर सिमिलर टू सुंदरबन। तो जो लोग पहले सुंदरबन विजिट किए हो, यू पीपल कैन रिलेट। द जर्नी हैज़ फाइनली स्टार्टेड। पहले बोट का स्पीड थोड़ा कम था, और जितना टाइम बढ़ता गया तो स्पीड थोड़ा बहुत इंक्रीज होता गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा शिप यहाँ पे अवेलेबल था, तो छोटा बड़ा बहुत ज़्यादा शिप यहाँ पे था, जो यहाँ से बांग्लादेश की तरफ फिश को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के काम में लगे पड़े हैं। बहुत ही ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट था, तो यहाँ पे बैलेंस करना बहुत मुश्किल था, बट या इट वॉज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। और लाइव विंड आ रहा था पीछे से, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे बोट पे एकदम सामने में बैठी थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे पानी का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले था थोड़ा बहुत मडी, उसके बाद ग्रीन, और अभी आप लोग देख सकते हो कि पूरा ब्लू हो गया है वाटर।
वाटर लेवल वॉज वेरी डीप, जैसे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ये जो आइलैंड है ये बीच बीच का आइलैंड है जहाँ पे फिशरमैन लोग फिशिंग करते हैं, एंड लैंडिंग इन दिस आइलैंड आर नॉट अलाउड। एंड लेट मी टेल यू, दिस जम्बूद्वीप में आप लोग ऐसे उतर नहीं सकते, यू कैन जस्ट विजिट इट फ्रॉम फार डिस्टेंस। बीच में यहाँ पे हम लोगों को मिल गया था मोशुनी आइलैंड, जो भी काफी पॉपुलर आइलैंड है एंड ए आइडियल डेस्टिनेशन फॉर ऑफ बीट ट्रैवलर्स। फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 4 आवर्स हम लोगों का ये जर्नी ख़त्म हुआ एंड वी वर हेडिंग बैक टू द मेन लोकेशन जहाँ से हम लोग जम्बूद्वीप का जर्नी स्टार्ट किए थे। और अभी हम लोग थोड़ा बहुत खाना खा के वी विल विजिट इन इवनिंग द मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन, जो बहुत लोगों का कमेंट्स आया था कि ये डेस्टिनेशन कहाँ है। सो दिस इज द कारगिल बीच। नेक्स्ट दिन सुबह हम लोग निकल पड़े थे टूअर्स बोक्खली सी बीच। तो जैसे आप सबको पता है कि बोक्खली सी बीच भी काफ़ी पॉपुलर बीच है जो काफ़ी टूरिस्ट लोग विजिट करते हैं। और ये है एक टाउन जो अंदर नामखाना पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन के अंदर फॉल होता है। इससे एडजेसेंट एक बहुत ही सॉलिडरी आइलैंड है जिसका नाम है फिजरगन आइलैंड, जो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोग बोक्खली सी बीच का मॉर्निंग का व्यू एंजॉय कर रहे थे। पहले बोक्खली सी बीच का आसपास का एरिया उतना ज्यादा डेवलप नहीं था ड्यू टू फ्रीक्वेंट स्टॉर्म एंड साइक्लोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे एरियाज काफी डिस्ट्रॉय हो जाता है जब भी बहुत ज्यादा साइक्लोन और फ्लड की वजह से। बट नाउएडेज दिस गवर्नमेंट आर टेकिंग मच मोर केयर इन इम्प्रूविंग द सुंदरबन सेटलमेंट्स एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल अराउंड। ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे ऑक्यूपेशन फिशिंग ही है और बहुत सारा लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करते हैं, जो मेनली एज आई टोल्ड की फिशिंग पे ही डिपेंडेंट है। यहाँ पे नियर बाय टूरिस्ट अट्रैक्शन एरिया ये भी है, जैसे आप सबको पता है कि गंगा सागर का जो मेला है वो काफी पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया। और ये फेजरगंज बोक्खली से भी वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है नहीं। सो या दिस इज अट्रैक्टिंग एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एंड होपफुली दिस प्लेस विल सी मच मोर डेवलपमेंट इन फ्यूचर ऑल्सो।
यहाँ पे आप लोग सैंडविच देख सकते हैं कैसे अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग लग रहा था। वैसे यहाँ पे टाइल ज्यादा नहीं है, लाइक इट इज अ वेरी कैजुअल एंड कूल प्लेस टू चिल आउट एंड हैंग आउट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा एक पीसफुल एम्बियंस जहाँ पे आप लोग चिल कर सकते हो बिहाइंड द बीच शैक। तो यहाँ पे मैं एक प्लीजेंट वॉक ले रही थी विद द अम्ब्रेला। तो ये था बक्खली सी बीच का एंट्री पॉइंट जो आप लोग देख सकते हो। और ये एकदम हम लोग सुबह आ गए थे क्योंकि धूप भी बहुत ज्यादा था स्कॉर्चिंग, तो यहाँ पे ज्यादा मार्केट नहीं खुला था। तो मैं फिर से आपको दिखाऊंगी ड्यूरिंग इवनिंग कि कैसा क्या एम्बियंस है, तब आप लोग देख लेना। उसके बाद हम लोग को लग गया था बहुत ही जोर से भूख और हम लोग चल पड़े टूवर्ड्स द वेरी पॉपुलर द बोनोश्री रेस्टोरेंट। इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और यहाँ पे हम लोग ट्राई किए थे दो वेज मील और मैंने लिया था पॉपुलर पॉम्फ्रेट फिश जो लोग ने बोला कि इट इज वेरी टेस्टी। तो एंड या आई क्वाइट एंजॉयड द मील। इसके बाद हम लोग चले गए थे एकदम द मोस्ट अवेटेड बीच जो मैंने काफ़ी सुना है इसका रिव्यू और सुना है कि ये जगह थोड़ा बहुत मेलंकोलिक भी है। तो वी हेडेड स्ट्रेट इन द इवनिंग टूवर्ड्स दिस रिजर्वेंट सी बीच। जैसे आप लोग देख सकते हो कि हाँ, बीच का कंडीशन काफ़ी डिलापाइटेड है। सारा होम्स और यहाँ का जो रेसिडेंस था ये सब स्टॉर्म के लिए टूट गया है एंड दिस प्लेस इज वेरी मच प्रोन टू हैवी साइक्लोन। तो हाँ, यहाँ पे बीच का मेंटेनेंस एकदम ही नहीं था और सब कुछ टूट गया था। अर्ली मॉर्निंग आप लोग यहाँ पे रेड क्रैब स्पॉट कर सकते हो और जो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज द ब्लैक सैंड। और ये आई थिंक इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन और स्टॉर्म का इन्फ्लुएंस है, सो दिस इज हाउ द बीच लुक्स। यहाँ पे आपको गोल्डन सैंड तो नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे जैसे आप सब लोग देख सकते हो कि विंड का पावर बहुत ज़्यादा है, सो देयर आर मेनी विंड मिल अवेलेबल जो एक बहुत ही गुड इनिशिएटिव है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हार्नेस विंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहाँ से लोकल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। एंड यस, दिस इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो यस, अ एक्सीलेंट एम्बियंस। इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट किए टूवर्ड्स द कारगिल बीच। यहाँ पे काफ़ी लोग अवेलेबल थे जो लोग यहाँ पे चिल कर रहे थे इन द इवनिंग टाइम एंड दे हैड लाइक कोकोनट आइसक्रीम, जिसको जो भी एंजॉय करना है यू कैन हैव टी कॉफ़ी एंड जस्ट सिट आइडियल एंड टेक रेस्ट इन द प्लेस। इसके बाद हम लोग काफ़ी देर हो गया था एंड वी हेडेड स्ट्रेट टूवर्ड्स द बक्खली सी बीच नाइट मार्केट जिसका चर्चा मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। सो यस, वी आर विजिटिंग दैट टूडे। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी सी फिश मार्केट के लिए जहाँ पे मैंने सुना है कि लाइव फिश मिलता है जो आपके सामने ही रोस्ट करके दे प्रेजेंट यू और यू कैन चूज विच फिश यू वांट टू टेक। तो अभी मेरे सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन था, क्रैब्स था, प्रॉन्स था, पॉम्फ्रेट था, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा टाइप का ऑक्टोपस, स्क्विड और डिफरेंट डिफरेंट छोटा छोटा फिश भी था। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम्स, अगर आपको नेम्स पता हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए एंड लेट मी नो कि आप लोग यहाँ से कौन कौन फिश के साथ ज़्यादा एक्वेंटेड है एंड विच फिश यू गाइस प्रेफरेबली लाइक टू ईट मोर।
सिंस हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन था, वी टूक अ वेरी सिंपल फिश जिसका नाम है आमुदी फिश, और उसका फ्राई हम लोग लिए थे। इट कॉस्टेड अस अराउंड 100 रुपीज और काफ़ी चीप लगा मुझे। फाइनली हम लोग नेक्स्ट दिन का ट्रेन का टाइम हो गया था एंड वी टूक आलू पराठा एंड अचार। वी हैड ब्रेकफास्ट एंड इट वॉज अ टाइम टू लीव द होटल। होटल का डिस्क्रिप्शन और लिंक आई विल गिव, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो। और इसी के साथ आई हैव ऑलरेडी रीच द एंड ऑफ दिस ब्लॉग ऑफ फ्रेडरिक आइलैंड, बॉकखली, कारगिल बीच एंड जम्मू द्वीप। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसे लगा आपको ये व्लॉग, एंड टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।